अगर आप पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हो तो क्या क्या निशेस हैं जिनमें ग्रोथ अच्छा है और बहुत जल्दी ग्रोथ है, साथ ही साथ आप उसको अलग अलग तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। पॉडकास्ट की एक खासियत है कि आप बहुत तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हो। देखो, सबसे पहला जो है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के ऊपर अगर बात करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आप पॉडकास्ट करते हो, इस पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आज के टाइम पे, इंडिया में बहुत चल रहा है और इस पर आप बना सकते हो। इसके ऊपर अलग अलग केस स्टडीज लेके आ सकते हो कि किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने लाइफ में अपनाया तो उसको रिजल्ट कैसे मिले, उन लोगों को आप लेके आ सकते हो, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हो, बहुत तगड़ा निश है। सेकेंड है एस्ट्रोलॉजी। अब देखो, एस्ट्रोलॉजी में मैं तो बिलीव नहीं करता, बट जो लोग बिलीव करते हैं, या फिर इंडिया में आप देखोगे लोगों को शॉर्टकट चाहिए, मैजिक चाहिए, कुछ ऐसा कि नींबू रख दे थकिया के नीचे तो कुछ और अतरंगी सा हो जाए उनके लाइफ में, ऐसे लोग सुनने वाले बहुत हैं। मतलब लोगों को ना मेहनत पे भरोसा नहीं है, लोगों को सिर्फ भरोसा है जादू पे, इस तरह के जादू पे, तो एस्ट्रोलॉजी बहुत चलेगा। तो अब भाई मैं इसमें क्या ही बोलूं, है ना, तो एस्ट्रोलॉजी एक बढ़िया निश हो सकता है जिस पे व्यूज़ और पैसे आप बना सकते हैं। थर्ड है बिजनेस और स्टार्टअप। अब देखो, बिजनेस ऐसा चीज़ है भाई, जब तक दुनिया रहेगी बिजनेस होता रहेगा, मतलब बाय एंड सेल तो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो बिजनेस से रिलेटेड आप बना सकते हो, बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड आप लोगों को फीचर कर सकते हो, उसके बारे में बात कर सकते हो, या फिर जिनके सक्सेसफुल बिजनेसेज हैं उनको बुला के उनके बारे में बात करो, कैसे अपने स्टार्ट करा, क्या चीज़ें अपनाते हैं, बिजनेस हैक्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पॉडकास्ट करना है। फोर्थ है कार ओनरशिप रिव्यूज़। इस निश में कुछ लोग बना रहे हैं, बट इसमें भी अब देखो हर बार कुछ ना कुछ नया मॉडल लॉन्च होता है, नए नए कार लॉन्च हो ही रहे हैं, अभी जैसे महिंद्रा थार रॉक्स करके लॉन्च हुआ है, तो आपके पास टॉपिक की कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ ओनरशिप रिव्यू के बारे में जब बात करेंगे, बहुत सारे लोग सेटिस्फाई होते हैं, बहुत सारे लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट निकल सकता है और इससे लोगों जो लोग सुनेंगे आपके पॉडकास्ट को ना, उनको भी बहुत मदद मिलेगी। उनको भी एक ओनरशिप रिव्यू जब आएगा ना उनके सामने, तो लोग बहुत ही ज़्यादा उनको उनके लाइफ में वैल्यू एड करेगा, है ना, उनके जब कार वगैरह खरीदने में उनको डिसीजन लेने में इजी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेडर्स के साथ में आप पॉडकास्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें कर सकते हो। आजकल क्या, कोविड के बाद से ट्रेडिंग का जो टॉपिक है, शेयर मार्केट का जो टॉपिक है, बहुत बूम पे है। इसके साथ साथ में आप ट्रेडिंग को अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग ना करके आप इन्वेस्टिंग के ऊपर बात कर सकते हो, इन्वेस्टिंग के ऊपर भी आप पॉडकास्ट कर सकते हो। इसमें विंट वेल्थ करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जो बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, तो उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। इसके अलावा एक और मैं बताना चाहूँगा, वो है यूपीएससी सक्सेस स्टोरीज के बारे में आप पॉडकास्ट कर सकते हो, अलग अलग यूपीएससी वाले लोगों को, जो भी जिन्होंने भी अपने लाइफ में यूपीएससी क्रैक किया है उनको आप बुला के फीचर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब निशेस हैं, बाकी आप अपना रिसर्च भी कर सकते हो, बाकी अगर चैट जीपीटी पे भी जाओगे तो आप वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो पॉडकास्ट के। बाकी ये जो रिसर्च मैंने ना खुद किए हैं, अगर मैं मेरे जैसे 8-10 सतीश और होते हैं ना, तो मैं ये सारे पॉडकास्ट मैं करता, और मेरे को बड़ा इंटरेस्ट भी आता है जो मेरे इंटरेस्ट के हैं, लाइक एस्ट्रोलॉजी अगर छोड़ देना तो बाकी सारे मेरे इंटरेस्ट के हैं, मैं उनको करना चाहूँगा, है ना। तो आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड के बारे में आप बात करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप पॉडकास्ट बनाना शुरू कर दो। पॉडकास्ट बनाने के फायदे इतने हैं ना, आप देखो अभी ये ट्रेंड में है और आने वाले 5 साल और ट्रेंड में रहेगा।